ग्वालियर में बीजेपी की टोपी लगाकर आगामी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग से मांग करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सियासत में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर ओछी मानसिकता की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाले इस युवक द्वारा कांग्रेस पार्टी के अयोग्य घोषित करने की मांग का भड़काऊ मैसेज वीडियो व पर्चों के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने लोकतंत्र पर अविश्वास जाहिर करते हुए देश के बंटवारे की मांग, रेलवे पटरियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वोट डालने वाले सभी लोगों को वोट न डालने की धमकी दी है। वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज की गई, जिस पर से पुलिस ने आरोपी की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से महगांव दिल्ली जिले का रहने वाला है और अभी महाराजपुरा थाना क्षेत्र के वायुनगर में रह रहा है। आइए अब आपको भी सुनाते हैं इस युवक की देश विरोधी मंशा से भरे वायरल वीडियो। कांग्रेस पार्टी राजधर्म का पालन करे और घोषणा पत्र में किए गए वायदे को उसने पूरा नहीं किया, इसीलिए मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में चुनाव ना लड़ने का स्वयं निर्णय ले। यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। यदि चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी तो मुझे ऐसे कमज़ोर लोकतंत्र वाले देश में नहीं रहना। मुझे इस देश का बंटवारा चाहिए, मुझे एक अलग देश चाहिए। वो देश चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले, चाहे उसके लिए मुझे अपना खून भी क्यों ना बहाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करूँगा। इन वायरल वीडियो से आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि यह कोई सनकी ही या महज पब्लिसिटी के लिए ही ऐसा कर सकता है। हालांकि जब यह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो भड़काऊ मैसेज वह वीडियो पर इसके मिजाज उतर आए और माफी मांगता हुआ नजर आया। दर्ज कराई आपने इस पर? कल से ये भाजपा कार्यकर्ता दलवीर पटेल का जो राष्ट्रद्रोह का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में मैंने चुनाव आयोग को पत्र द्वारा आपत्ति दर्ज कराई है और यहाँ भी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के आपत्ति दर्ज कराने आया हूँ। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो भाजपा की ओछी मानसिकता और भाजपा की जो बंटवारे की संस्कृति है उसको उजागर करता है। हम इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे और देश की सद्भावनाओं को, देश के भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। देश के संविधान को अक्षर से पालन करवाने के लिए कांग्रेस हमेशा कटिबद्ध है और देश के भाईचारे को जो भाजपा बिगाड़ना चाहती है उसका ये सामने वीडियो से उसका चेहरा उजागर हुआ है। इसका विरोध हम करते हैं। टोपी लगाए हुए हैं लेकिन पुलिस का मानना है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, टोपी लगा कर कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता तो आएगा नहीं। वो ओछे हथकंडे अपना कर पार्टी में कुछ विशेष स्थान पाना चाहता हुआ, उसकी हो सकता है कि उसकी है ना बुद्धि उतनी परिपक्व न हो, लेकिन वो भाजपा का कार्यकर्ता है और जो भाजपा के निचले स्तर पर मीटिंगों में जिस तरीके की बातें होती हैं उसके जो बातों से वही उजागर हुआ है। केवल वो कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। भाजपा की टोपी लगाकर खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले आरोपी युवक के पार्टी से संबंध की पड़ताल पुलिस द्वारा किए जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा इस बात से इनकार किया गया है कि वह पार्टी का कार्यकर्ता है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा शिकायत किए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर रही है। एक वायरल वीडियो की शिकायत मिली थी जिसमें दलवीर पटेल नाम का व्यक्ति जो वायुनगर महाराजपुरा में रहता है उसके द्वारा एक भड़काऊ और उकसाने वाला वर्ग संघर्ष पैदा कराने वाला के बयान देने का वीडियो मिला था, जिसपे उस 153, 505, 125 आईपीसी में एफआईआर की गई है और आरोपी दलवीर पटेल को अरेस्ट करके भेज दिया गया। वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अटेंशन सीकर है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके का बयान दिया है और उसकी मानसिक जो बयान है वो काफ़ी आपत्तिजनक है और अवैधानिक है। वो किसी पार्टी विशेष का पदाधिकारी नहीं है और ऐसी पड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया मालूम चला है कि वो पार्टी विशेष का किसी का पदाधिकारी नहीं है। देखिए, कार्रवाई ही इसलिए और इतनी तत्परतापूर्वक और कठोर कार्रवाई की गई है कि सोशल मीडिया पर लोग
कोई भी बयान जारी करने से पहले उसके परिणाम को समझ लें। अगर वो गलत बयान नहीं करेंगे, गलत बयान देंगे, लोगों को उकसाने वाले बयान देंगे और तनाव फैलाने वाले बयान देंगे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। इस यही मैसेज देने के लिए भी ये कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे साइबर सेल है जो इस तरीके के वीडियोस पे और पोस्ट्स पे निगरानी करती है। जब भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे आती है तो वो संबंधित थाने और CSP सर्कल को कन्वे की जाती है और जिससे तत्काल कार्रवाई हो सके। गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर BJP चुप्पी साधे हुए है तो वहीं कांग्रेस इस तरह के वायरल वीडियो पर पैनी नजर रखना शुरू कर चुकी है, क्योंकि इस बार होने वाले उपचुनाव के दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों को सोशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जनता से संपर्क करना है। ऐसे में दोनों के ही IT दल इस तरह के वायरल वीडियो पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।